नमस्कार दोस्तों जी, मैं अरविंद मकवाना आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें आप जानेंगे कि जो दोस्तों पुराने कपड़े होते हैं उनमें दोबारा कलर किस प्रकार से किया जाता है। मैं आपको विद प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक हेल्प में। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार से पुराने कपड़े को वापस कलर करके नया किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो लास्ट तक देखना रहेगी, तो प्लीज़ आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और इसके पहले आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल टेक हेल्प को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो मिलेगी आपको सबसे पहले। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक कंटेनर में हमें लेना है पानी और उसमें एक चम्मच मात्रा के अनुसार नमक डालना है। ठीक है, नमक को अच्छी तरीके से पानी में मिला देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब नमक वाले पानी में हमें जिस कपड़े में कलर करना है उस कपड़े को अच्छी तरीके से भिगो कर रखना है। ठीक है, तो ये मैं एक पेंट ले रहा हूँ, इसमें मुझे कलर करना है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं नमक वाले पानी में पेंट को अच्छे तरीके से भिगो देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए हमें ऐसा ही छोड़ देना है। ठीक है, अब हमें दूसरे कंटेनर में गर्म पानी करना है दोस्तों। अब उस गर्म पानी में हमें जो कलर करना है कपड़े के ऊपर वो कलर की 1 चम्मच मात्रा में लेंगे, जितना हमें कलर लगेगा। तो मैं 1 चम्मच कलर लेता हूँ और पानी में डाल देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से अब जितना कलर मैंने यूज़ करने के लिए लिया है उतनी ही मात्रा में मैं पानी में नमक भी डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसे हम कुछ 5 मिनट तक गर्म होने देते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे इसे। 5 मिनट हो जाने के बाद हम इसमें जो ठंडे पानी में नमक वाले पानी में पेंट को रखा था उस पेंट को हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब इस गर्म पानी में हमें कपड़े को लगभग 5 मिनट के लिए रखना है ताकि कलर अच्छी प्रकार से कपड़े के ऊपर चढ़ सके। ठीक है, 5 मिनट रखने के बाद इसे दोस्तों हल्की छांव में सुखाएंगे और इस प्रकार हमारा कपड़ा कलर से तैयार है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। मैं अरविंद मकवाना अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।